एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एनिमल मूवी सॉलिड फटने को तैयार बैठी है। देखो, होना ये था कि कल को यानी 21 नवंबर को ट्रेलर आ जाना था, लेकिन वही चीज़ कि कल इंडिया जो बुरी तरीके से फाइनल में हारी है, दैट्स वाई कि संदीप रेड्डी बांगा और मेकर्स ने ये डिसीजन लिया कि कल छोड़िए, क्योंकि इस टाइम पर इतना अच्छा माहौल नहीं चल रहा है। दैट्स वाई कि वो लोग अपनी सेलिब्रेशन नहीं करना चाहते, एक खुशी है जो वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहते ऐसे मोमेंट पर, जहां सभी लोग अभी शोक में डूबे पड़े हैं, क्योंकि कल बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। देखा जाए तो वाकई में बहुत सॉलिड ट्रेजेडी हुई है, क्योंकि इससे बहुत उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो अब जो है ट्रेलर पोस्टपोन कर दिया गया है, कब कर दिया गया वो आगे बताऊंगा। और उसके बाद भी एडवांस बुकिंग में क्या हाल चल रहे हैं, दूसरा IMDb की रेटिंग में कैसी चल रही है, बुक माई शो इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब जब एक आध मिनट में कहाँ पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एनिमल मूवी ये दमदार होने वाली है, ऐसा सभी लोग बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इसमें पूरा रॉ मटेरियल मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है विदाउट फिल्टर मिलने वाला है, फुल 18+ मूवी होने वाली है, जिसमें खून खराब और भयंकर तरीके से ब्रूटली देखने को मिलेगा, ब्रूटली, क्योंकि हमें टीजर में भी वही देखने को मिला है। रणवीर सिंह जिस अवतार में हमें इस माह देखने को मिलने हैं, भाई ये बंदा खा जाएगा। और संदीप रेड्डी मांगा को तो हम जानते ही हैं कि ये सिनेमा किस हद तक का बनाते हैं। भाई कबीर सिंह मूवी हमने देखी, एक सिंपल लव स्टोरी टाइप मूवी थी, वो भी रीमेक, उसके बलबूते पर इस बंदे ने लगभग स्लाइटली 300 करोड़ का बिजनेस लाइफ टाइम कलेक्शन टच कर रखा है। तो एनिमल तो बिल्कुल सॉलिड कंटेंट है, जहां पर हमें एक्शन भरपूर मिलने वाला है। और 2023 का एरा ही एक्शन मूवी का चल रहा है, जहां पठान ने शुरुआत करी थी और अभी भी चल रही, टाइगर 3 अभी भी चल रही है, लेकिन उसके बाद भी ये मूवी फाड़ के जाने वाली है जबरदस्त तरीके से। तो अभी बात करते हैं कि इस मूवी को IMDb की लिस्ट में, मतलब मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में कौन से नंबर पर चल रही है। भाई नंबर 1 पर चल रही है, जो अभी तक डंकी देखने को मिल रही थी, अब डंकी 4th नंबर पर पहुंच चुकी है। नंबर 1 पर एनिमल मूवी चल रही है, लगभग 20% प्लस की साथ इंटरेस्ट रेट के साथ ये मूवी आगे चल रही है। सेकंड में फर्रे चल रही है, जो सलमान खान प्रोडक्शन हाउस के दायरे में बनाई गई है। एंड थर्ड नंबर पर सालार चल रही है और 4th पर डंकी चल रही है। तो भाई ये तबाही देख रहे हो आप, एनिमल मूवी मतलब अभी 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और जबरदस्त आग फाड़ रही है। इसके साथ आमना सामना करने वाली है विकी कौशल की मोस्ट मच अवेटेड मूवी सैम बहादुर, क्योंकि भाई साहब इसका सीधा कनेक्शन नहीं बोलूंगा, इसको पूरा कंपेयर करा जा रहा है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक से। जैसी फाड़ परफॉर्मेंस इस बंदे ने वहां दे रखी है, वैसे ही फाड़ परफॉर्मेंस सैम बहादुर में हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन देखा जाए तो सैम बहादुर 5वें नंबर पर है IMDb की लिस्ट में। तो भाई अभी दिन है, 12 दिन है, 11 दिन है इस मूवी को रिलीज होने के लिए, कब कौन ऊपर निकल जाए, लेकिन दिल से लोग इस मूवी के लिए भी वेट कर रहे हैं। बुक माई शो इंटरेस्टेड की बात करें एनिमल मूवी की, तो भाई साहब 87,700+ का इंटरेस्ट रेट के साथ ये मूवी जबरदस्त तबाही मचा रही है। उसके बाद मुद्दे की बात पर आते हैं कि ट्रेलर कब आ रहा है भाई साहब, क्योंकि ये मूवी बस फटने ही वाली है 10 से 11 दिन के अंदर, और अभी तक ट्रेलर का नामो निशान नहीं है। हमें कम से कम पता तो लग जाए कि मूवी में आखिर मिलने क्या वाला है, क्योंकि हमने सिर्फ टीजर देखे, एक आध सॉन्ग देखे हैं, उसी के बिहाव पर हम बस अपना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर जब हमें ट्रेलर मिल जाएगा तब हमें पता लगेगा कि भाई मूवी में आखिर मिलने क्या वाला है। ए रेटेड की मूवी होने वाली है डेफिनेटली, तो भाई ट्रेलर आने वाला है 23rd of November, इट मीन्स ये कि 2 दिन बाद, और फाड़ के जाने वाला है। तो इसके लिए भाई वेट है, ज़बरदस्त वेट है। एडवांस बुकिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है, बट फ्लेक्सिबली कहीं ना कहीं, मतलब USA में कुछ जगह पर अच्छी खासी एडवांस बुकिंग चल रही है, जहां से इस मूवी ने 37,000+ $ की एडवांस बुकिंग अपने खाते में ले ली है अभी से ही। और 26 तारीख से हमको प्रॉपर एडवांस बुकिंग देखने को मिल जाएगी, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में तो चलनी चलने वाली है और धमाकेदार चलने वाली है। तो सब एनिमल मूवी के लिए कौन कितना वेट कर रहा है, इस ट्रेलर के लिए कौन कितना वेट कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।